एमपी ने पॉलिसी अच्छी है बुरी तो ठीक पॉलिसी ही नहीं बनेगी। कोई भी किसान नहीं चाहता है कि लहसुन के रेट उसे 10,000 रुपए क्विंटल चाहिए, प्याज के रेट उसे 20 रुपए किलो चाहिए, आलू के रेट 25 रुपए किलो चाहिए। कोई नहीं चाहता, किसी को ज्यादा अपेक्षा नहीं है। कम से कम साथ में अपेक्षा रखते हैं कि उनका प्याज सड़े नहीं, आलू फीके नहीं, और ये जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए के जो प्याज सड़ा है ना, इसकी सब्सिडी किसान को मिल जाती तो वैसे ही बेनिफिट होता। ये जो 200-400 करोड़ रुपए के प्याज जो सड़ा है ना, सड़ाने से ज्यादा बेहतर होता, किसानों को हेल्प कर देते इसमें। अभी तक कोई घोषणा ही नहीं हुई ना बीमे के लिए कि फसलों का मुआवजा दिया जाए, बीमा कंपनी मुआवजा दिया। अभी तक मतलब कोई मतलब जो है अधिकारी, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। फिर तो सर ये 2500 से ऊपर ही देंगे, बाकी जिसको 1200 और 1500 और 2000 बिके उसको क्या देंगे? क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं देंगे, एक रुपया भी नहीं देंगे। केवल 2500 से 3050 रुपए उसी को देंगे जिसको 2500 नहीं। पर सर यहाँ जो बोल रहे हैं और ये अधिकारी आए, इनको बताना चाहिए नहीं कम से कम कि जिसको 2000 और 1500 बिक रही और 1200 उसको क्या देंगे आप?